चलिए, इस वीडियो में हम DHCP सर्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो DHCP सर्वर होता है, बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका काम होता है नेटवर्क में आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, नेटवर्क में आईपी एड्रेस को बांटना, यही काम होता है इसका। तो सबसे पहले हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले जो हमारा सर्वर है उसके पास एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए, यानी ये नहीं कि वो भी DHCP के भरोसे हो। उसके पास जब खुद स्टैटिक आईपी होगा तो ही वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसके पास स्टैटिक आईपी है या नहीं, और नहीं है तो हम इसको एक स्टैटिक आईपी देंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, सिस्टम माइनस कॉन्फ़िग माइनस नेटवर्क। देखो, इसके पास खुद के पास DHCP के ऊपर ये डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ से DHCP को अनचेक करेंगे और यहाँ पे मेन वाला आईपी इसको असाइन कर देंगे। सपोज करो 192.168.1.200, ये मैं आईपी इसका दे देता हूँ और इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ। अब देखिए, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट को सर्वर के थ्रू बांट देंगे, यानी सर्वर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और क्लाइंट पे जाके हमें मैन्युअली ये आईपी एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। क्लाइंट अपने आप ही सर्वर से पूछेगा और उसी हिसाब से आईपी कॉन्फ़िगर कर लेगा। वही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी, नेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर एड्रेस, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी कन्फिगर करेंगे। चलिए, यहाँ पे फिलहाल मैंने ओके कर दिया, सेव कर दिया, सेव एंड क्विट कर दिया, और उसके बाद में सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, जिससे कि ये चीज़ें इफेक्ट में आ जाएं। इफेक्ट में आने के बाद में हमने एक बार वेरीफाई किया कि क्या ये जो आईपी है इफेक्ट में आ गया है नहीं। तो आप देख सकते हो 1.200 इफेक्ट में आ चुका है। चलिए, नेक्स्ट काम जो है हमारा वो है DHCP RPM को इंस्टॉल करना। तो चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं इसमें पहले से ही DHCP RPM इंस्टॉल हो। तो उस DHCP RPM को चेक करने के लिए RPM स्पेस माइनस QA स्पेस DHCPD हमने चेक किया, तो फिलहाल इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। इसका मतलब DHCPD नाम का इसमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने इसमें DVD डाली हुई है सारे पैकेजेस की, और अगर आपने मेरे यम के वीडियोस पढ़े हुए हैं तो आप उससे भी देख सकते हो कि किस तरीके से हम यम से हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जैसे कि यम इंस्टॉल DHCPD ये किया, अगर इसके अंदर यम, फिलहाल इसमें यम काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इसमें जो DVD लगाई हुई है वहाँ पर जाऊँगा, CD स्पेस स्लैश मीडिया के अंदर यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैंने पैकेजेस के अंदर गया यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे सारे के सारे RPM रखे हुए होते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, RPM-QA स्पेस DHCPD लिख के मैंने टैब दबाया, तो अपने आप ही ऑटो कंप्लीट हो गया। एंटर किया तो सॉरी, RPM-QA नहीं, RPM-IVH इंस्टॉल करने करने के लिए। तो देखिए ये क्या हुआ कि ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद जब हम इसे दोबारा पूछेंगे तो ये बताएगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है DHCP। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम, आगे वाला जो काम है वो ये है कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें काम करना है, देन फाइनली तो स्टेप आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जैसे ही हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो होती है ETC के अंदर DHCP DOT CONF। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, और इसके अंदर आपको किसी भी एडिटर से, VI के बजाय आप जी एडिट, नैनो या इस टाइप का कोई भी एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, VI जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एंटर किया,
यहाँ पे आप इसे पढ़ोगे तो इसमें देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, सी द यूजर दिस सैंपल। वो ये कह रहा है कि आप इस फाइल को पढ़िए, ये फाइल यहाँ से आपको सैंपल फाइल पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भी एक डी एच सी पी सर्वर कन्फिग्रेशन फाइल, सी दिस लोकेशन सैंपल सी मेन फाइव डी एच सी पी डॉट कॉम। ये कह रहा है आप या तो इसे पढ़िए या इसे पढ़िए, उस वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो फिलहाल ये तो किसी काम का नहीं है, मैं यहाँ से एग्जिट हो गया, लेकिन हाँ वहाँ से मुझे पाथ ज़रूर पता लग गया था। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे कर लेता हूँ, यू एस आर के अंदर शेयर के अंदर डॉक के अंदर डी एच सी पी के अंदर डी एच सी पी डॉट डी डॉट कॉम डॉट सैंपल, इसी में कॉपी करके, क्योंकि मेन जो कंटेंट पड़ा हुआ है मेरा इसी लोकेशन पे इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। अब इस फाइल को कॉपी करके मैं कहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वो स्लैश ई टी सी के अंदर डी एच सी पी के अंदर डी एच सी पी डी डॉट कॉम इस लोकेशन पे, यानी कि जो मेरी डी एच सी पी डी डॉट कॉम डॉट सैम्पल जो फाइल है वो ओवरराइट कहाँ हो जाएगी, इस फाइल के ऊपर। ठीक है, मैंने यस किया। और यस करने के बाद में हम दोबारा से उस फाइल को पढ़ेंगे जहाँ पे पहले केवल दो लाइन लिखी हुई, आप देखोगे कि यहाँ पे सैंपल फाइल आ चुकी है। देखिए ये बेसिकली हमारी हेल्प के लिए होती है कि हमें अगर कोई किसी भी चीज़ का मतलब नहीं पता या हम कोई ऑप्शन भूल रहे हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप कुछ मत करो, सीधे इस फाइल के सबसे एंड में जाइए। सबसे एंड में जाने के बाद में सबसे एंड में जाने के बाद में ये कुछ लिख लीजिए, ऐसा कुछ हमें टाइप करना पड़ेगा सबनेट। देखिए कि ऐसा कुछ इसमें भी बताया हुआ है जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि देखिए ये है, इस टाइप की चीज़ें हो गई, ये लाइन हो गई या फिर इससे ऊपर ये लाइन हो गई, इस टाइप की चीज़ें ये हो गई। तो यही चीज़ें मैं वहाँ लिखने जा रहा हूँ लेकिन मेरे नेटवर्क के हिसाब से। तो बेसिकली मुझे यही लिखना है, सबनेट सबनेट सबसे पहले लिखना है। और मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, एक नेटवर्क आईपी। तो नेटवर्क आईपी किसका, अपना। तो मेरा आईपी क्या था, 192.168.1.200 ये था ना, तो 200 वाले की बजाय हम जीरो कर देंगे क्योंकि मेरा नेटवर्क आईपी यही था। तो अगर आपको नेटवर्क आईपी का आइडिया नहीं है तो मेरी आईपी एड्रेस के बारे में जो एक वीडियो है वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हो आईपी एड्रेस के बारे में कंप्लीट डिटेल, सबनेटिंग वगैरह आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। सबनेट मैंने यहाँ पे नेटवर्क आईपी डाल दिया, देन उसके बारे में, उसके बाद में मुझे क्या लिखना है, उसके बाद में मुझे लिखना है नेट मास्क, यानी सबनेट मास्क जो लिखना होता है वो मैंने लिख दिया कि 255। बेसिकली मैं यहाँ पे अपने नेटवर्क को डिक्लेयर कर रहा होता हूँ .0। ठीक है, और उसके बाद में लगा दीजिए आप कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑप्शन स्पेस राउटर्स, क्यों लिखना है ये, चलिए ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि एक और टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम माइनस कॉन्फिग माइनस नेटवर्क। देखिए जब भी आप किसी भी कंप्यूटर में आईपी डालते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें मिलेंगी कि क्या उसका आईपी होना चाहिए, क्या उसका सबनेट मास्क होना चाहिए और क्या उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी होना चाहिए, ये ना। तो क्लाइंट के लिए हम क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी देना चाहेंगे वो मुझे लिखना था इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन स्पेस राउटर्स स्पेस देके मैंने क्या लिख दिया, राउटर का आईपी सपोज करो मैं देना चाहता हूँ 192.168.1.158। ये बेसिकली हमारे नेटवर्क में जो राउटर्स लगे हुए होते हैं उनका आईपी होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड आगे क्या लिखना है, ऑप्शन स्पेस सबनेट मास्क और जो भी मैं सबनेट मास्क वाले ब्लॉक में डालना चाहूँगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या लिखना है, ऑप्शन डोमेन माइनस नेम माइनस सर्वर्स। देखिए
यहाँ पे जो डीएनएस सर्वर है ये प्राइमरी डीएनएस सर्वर है और सेकेंडरी, बेसिकली मैं इसमें क्या डालना चाहूँगा या इसमें क्या डालना चाहूँगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है। और देखिए कैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरे डीएनएस को आईपी ये जाए 192.168.1.255.251 ले सकते हैं, ये आईपी जाएगी। तो ये तो हो गया प्राइमरी का। आप चाहते हो नहीं जी सेकेंडरी के पास भी जाए, तो आप क्या दोगे स्पेस कॉमा स्पेस 192.168.1.252। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, इसके बाद में मैंने क्या किया इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस DHCPD रिस्टार्ट। देखिए ये फील्ड क्यों दिखा रहा है, मैंने कहीं ना कहीं उस फाइल में की एडिट करने में कहीं गलती की है। तो क्या है, माइनस नहीं डाला था जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा था। तो सबनेट माइनस मास्क आपको डालना है, और वो डाल दिया उसका सबनेट मास्क। फिर डीएनएस का आईपी आप क्या देना चाहोगे, ये दे दिया मैंने। और फिर मैंने दे दिए रेंज कहाँ से कहाँ तक मेरा आईपी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलिए इतना किया, और इतना ही करने के बाद में मैंने सेव एंड एग्जिट किया, और सर्विस DHCPD रिस्टार्ट, और देखिए ये ओके आ चुका है। चलिए सर्विस ये जो सर्विस चल गई यहाँ पे, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, हम चलते हैं सीधे क्लाइंट पे। तो क्लाइंट पे सबसे पहले हम किसी भी एक क्लाइंट पे, चलिए विंडोज़ के क्लाइंट जो है उस पर चलते हैं हम। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके आईपी में मैं गया यहाँ पे, और मैंने इससे कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि ये और ये ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ दैट मीन DHCP से आईपी इसे ज़रूरत है। तो मैंने कह दिया कि नहीं ये दोनों चीज़ें ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली रहना चाहिए, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, राइट क्लिक करके इसे क्या किया रिपेयर कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने स्टेटस चेक किया इसका, और यहाँ पे जाके क्या किया डिटेल में गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईपी दिया है जो मैं देना चाह रहा था, यानी मेरा स्टार्टिंग आईपी मैंने क्या कहा था कि भाई 192.168.192.168.1.10। तो ये आईपी जो है मेरा आ चुका है इस पर। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक लाइनेक्स के क्लाइंट पर भी देख लेते हैं। तो लाइनेक्स के क्लाइंट के लिए हमें क्या करना है, चलिए हम लाइनेक्स के क्लाइंट पर चलते हैं। ये सर्वर है हमारा, ये सर्वर है, और ये है हमारा लाइनेक्स का क्लाइंट। मैंने क्या किया इसमें टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ पे सिस्टम माइनस कॉन्फिग माइनस नेटवर्क कमांड चलाई, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गया, और यहाँ पे यूज DHCP में कर देता हूँ, ओके कर दिया, सेव कर दिया, सेव एंड क्विट कर दिया। सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट कमांड चलाने से वो कनेक्शन को रिपेयर करेगा, और आईपी के लिए दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे देखिए वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, आप चाहो तो वहाँ जाके दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे तो DHCP ही का किया हुआ है मैंने, और वेरीफाई करने के लिए कमांड चला सकते हो आप, कौन सी IFCONFIG स्पेस ETS 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आईपी आ रहा है, तो 192.168.1.11, और ये आ रहा है 192.168, ये ब्रॉडकास्ट आ रहा है, ये वही सबनेट मास्क आ रहा है जो मैं देना चाहता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या मेरा वही पैरामीटर आ रहे हैं जो मैं देना चाहता था, ठीक है। ये अब जैसे ये देखिए ये मैक एड्रेस है इसका, तो मैक एड्रेस तो फिक्स होता है, आप चाहो तो इसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली DHCP में, कि DHCP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप सर्वर पे बैठ गए, अब आपके पास मान के लो 2000 कंप्यूटर हैं, 2000 कंप्यूटरों को आईपी आप एक बार में नहीं दे सकते हो,
कितना टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और ये DHCP विंडोज़ सर्वर में भी हो सकता है, लिनक्स के सर्वर में भी हो सकता है जो RHEL है, और उसके अलावा हमारा ये DHCP किसी भी डिवाइस के अंदर भी हो सकता है, राउटर के अंदर, स्विच के अंदर, जो मॉडेम्स वगैरह आज की डेट में आ रहे हैं ADSL, उनके अंदर भी ये काम कर सकता है। तो ये है बेसिकली DHCP का।